आज बुल्ली, सोन, स्काइलर और सारे क्रिमिनल्स फैक्ट्री आए हुए हैं क्योंकि ये सारे लोग मिलकर आज पार्टी करने वाले हैं। तभी येलो क्रिमिनल कहता है, अरे हम लोग यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हैं, चलो हम लोग पार्टी शुरू करते हैं। तभी स्काइलर कहता है, अरे अभी और भी लोग आने वाले हैं, उन लोगों के आते ही हम लोग पार्टी शुरू कर देंगे। स्काइलर इतना कह ही रहा होता है कि तभी यहाँ पे रॉड और हिपोप आ जाते हैं। रॉड और हिपोप को देखकर ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रॉड और हिपोप इन लोगों के पास आकर रुकते हैं। तभी हिपोप कहता है, अरे सारे लोग तो आ गए लेकिन अभी तक गुल्ली और आलोक क्यों नहीं आए हैं, कहीं वो लोग भूल तो नहीं गए कि आज हम लोग पार्टी करने वाले हैं। तभी स्काइलर कहता है, अरे नहीं हिपोप, गुल्ली और आलोक तो यहाँ बहुत पहले ही आ गए थे लेकिन वो लोग पार्टी का सामान लाने के लिए दुकान गए हैं, थोड़ी देर में वो लोग आते ही होंगे। और इधर आलोक गुल्ली के दुकान से बाहर आने का इंतजार कर रहा है। अरे ये क्या, गुल्ली तो पार्टी का सामान लेकर दुकान से बाहर आ गया है। गुल्ली आलोक के पास आकर रुकता है। तभी आलोक कहता है, गुल्ली तुमने सारा सामान ले लिया है ना। गुल्ली कहता है, हाँ आलोक मैंने सारा सामान ले लिया है, चलो अब हम लोग फैक्ट्री चलते हैं। इतना कहने के बाद गुल्ली स्कूटर पे बैठ जाता है और फिर आलोक स्कूटर को स्टार्ट करके फैक्ट्री की तरफ ले जाने लगता है। और इधर बहुत दिनों के बाद जेसन जेब्दा किलर से मिलने के लिए जेल आया हुआ है। तभी एक पुलिस वाला जेसन की चेकिंग करने लगता है। चेकिंग करने के बाद वो पुलिस वाला कहता है, जेसन तुम जेब्दा किलर से मिल सकते हो। तभी दूसरा पुलिस वाला कहता है, चलो जेसन मैं तुम्हें जेब्दा किलर के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो पुलिस वाला जाने लगता है और जेसन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद जेसन उस पुलिस वाले के पीछे पीछे जेब्दा किलर के लॉकअप तक पहुंच जाता है। अरे ये क्या, जेब्दा किलर तो लॉकअप के अंदर बैठा हुआ है। तभी वो पुलिस वाला जेब्दा किलर से कहता है, देखो जेब्दा किलर तुमसे मिलने के लिए जेसन आया हुआ है। और फिर वो पुलिस वाला जेसन से कहता है, जेसन तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी करो, तुम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते हो। इतना कहने के बाद वो पुलिस वाला आगे की तरफ चला जाता है। जेसन जेब्दा किलर के पास जाता है। तभी जेब्दा किलर जेसन से कहता है, जेसन तुम इतने दिनों से कहाँ थे और तुमने मुझे यहाँ से बाहर निकालने का कुछ सोचा है या फिर नहीं। तभी जेसन जेब्दा किलर से कहता है, जेब्दा किलर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए ही आया हूँ, तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बाहर निकालता हूँ। इतना कहने के बाद जेसन पुलिस वाले की तरफ जाने लगता है। पुलिस वाले के पास आते ही जेसन इधर उधर देखने लगता है। जेसन देखता है कि उसे कोई भी पुलिस वाला नहीं देख रहा है। तभी जेसन अपने पॉकेट से चाकू निकालता है और उस पुलिस वाले पे हमला कर देता है। अरे क्या, ये पुलिस वाला तो नीचे गिर गया और इस पुलिस वाले की आवाज सुनकर बाकी के पुलिस वाले ने जेसन को देख लिया। और फिर तभी अचानक से जेसन कूद कर उस पुलिस वाले का गन ले लेता है। उस पुलिस वाले का गन लेने के बाद जेसन दूसरे पुलिस वाले को गोली मार देता है। अरे ये क्या, ये पुलिस वाला तो नीचे गिर गया और ये सब देखकर दूसरा पुलिस वाला यहाँ से भाग जाता है। उस पुलिस वाले के यहाँ से जाते ही जेसन जेब्दा किलर के लॉकअप का दरवाजा खोल देता है। और फिर जेसन जेब्दा किलर से कहता है कि जेब्दा किलर जल्दी भागो यहाँ से, इससे पहले कि पुलिस यहाँ आ जाए। इतना कहने के बाद जेसन यहाँ से भागने लगता है और जेब्दा किलर भी जेसन के पीछे पीछे भागने लगता है। बाहर आते ही ये लोग दोनों ट्रक के पास आकर रुकते हैं। तभी जेसन कहता है, जेब्दा किलर जल्दी से ट्रक में बैठ जाओ। और फिर ये दोनों ट्रक में बैठ जाते हैं और जेसन ट्रक को स्टार्ट करके यहाँ से आगे जाने लगता है। थोड़ी देर में जेसन और जेब्दा किलर एक सुनसान रास्ते पर आ जाते हैं। तभी जेब्दा किलर कहता है, अरे जेसन वो देखो सामने से तो कोई आ रहा है, चलो हम लोग उसे मारकर उसका सारा सामान लूट लेते हैं। अरे क्या, ये तो गुल्ली और आलोक है और ये लोग तो पार्टी का सामान लेकर फैक्ट्री जा रहे हैं। जेसन जेब्दा किलर से कहता है कि जेब्दा किलर वो तो आलोक है जिसके कारण तुम जेल गए थे, चलो आज बदला ले ही लेते हैं, क्या बोलते हो। हाँ हाँ जेसन, चलो बदला ले ही लेते हैं। गुल्ली और आलोक स्कूटर से जा ही रहे होते हैं कि तभी जेसन अपना ट्रक इन लोगों के सामने ले आता है। जेसन और जेब्दा किलर ट्रक से नीचे उतर जाते हैं और गुल्ली और आलोक भी स्कूटर से नीचे उतर जाते हैं।
तभी आलोक कहता है, लगता है तुम लोग पिछली बार की मार भूल चुके हो, इसलिए दोबारा मार खाने के लिए यहाँ आए हो। अगर तुम लोगों को मार नहीं खाना है तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम लोगों को बहुत मारूंगा। आलोक की बात सुनते ही जैप्दा किलर आलोक से कहता है, आलोक हम लोग यहाँ मार खाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग तो तुम दोनों को कुछ देना चाहते हैं, जाओ जेसन दे दो इन लोगों को। रुको मैं अभी तुम लोगों को एक चीज देता हूँ। इतना कहने के बाद जेसन गुल्ली और आलोक की तरफ जाने लगता है। आलोक के पास आते ही जेसन आलोक को एक किक मार देता है और ये सब देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जैप्दा किलर जेसन से कहता है, जेसन और मारो आलोक को। इतना कहने के बाद जैप्दा किलर हंसने लगता है। अरे ये क्या, आलोक तो खड़ा हो रहा है। जैसे ही आलोक खड़ा होता है तभी आलोक कहता है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। इतना कहने के बाद आलोक जेसन की तरफ जाने लगता है और फिर जेसन को मारने लगता है। अरे ये क्या, आलोक ने तो जेसन को बहुत बुरे तरीके से मारा है, लगता है अब जेसन बहुत देर तक नहीं उठ पाएगा। तभी जैप्दा किलर अचानक से आलोक को एक जोड़ का किक मारता है और आलोक नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर गुल्ली जैप्दा किलर को एक पंच मार देता है और जैप्दा किलर नीचे गिर जाता है। और फिर थोड़ी देर में जैप्दा किलर उठने लगता है। जैसे ही जैप्दा किलर उठकर खड़ा होता है तभी जैप्दा किलर अचानक से गुल्ली को एक जोड़ का किक मारता है और गुल्ली भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर जैप्दा किलर जेसन को उठाता है और जैसे ही जेसन उठकर खड़ा होता है तभी जैप्दा किलर कहता है, अरे ये देखो जेसन, मैंने इन दोनों को मारकर बेहोश कर दिया है, चलो अब इन दोनों को लेकर अपने अड्डे पर चलते हैं। जेसन कहता है, हाँ चलो इन लोगों को अड्डे पर लेकर चलते हैं। और फिर जेसन और जैप्दा किलर गुल्ली और आलोक को उठाकर ट्रक में रख लेते हैं। और फिर जेसन ट्रक को पीछे करता है और इन लोगों को लेकर अपने अड्डे पर जाने लगता है। और इधर ये लोग गुल्ली और आलोक के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है कि गुल्ली और आलोक अभी कहाँ हैं। तो अब क्या होगा आगे, क्या ये लोग गुल्ली और आलोक को बचा पाएंगे या फिर जेसन और जैप्दा किलर मिलकर गुल्ली और आलोक को मार देंगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट टू में। पार्ट टू देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कुछ कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।